तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर क्लास लेट्स स्टार्ट चैप्टर एलेवन ओके सो चैप्टर नेम इज़ बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स ठीक है हमने लास्ट चैप्टर्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं अब हम आगे आ गए हैं तो अब हम क्या पढ़ेंगे बुक्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है बट अब बुक्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे पैंटिंग्स थोड़ी जो कलाएँ होती थी पहले के ज़माने में उन सब के बारे में और बिल्डिंग्स के बारे में तो उसमें जो कारीगरी करी जाती थी महीन कारीगरी महीन पेंटिंग्स जो होती थी उसके अबाउट में हम पढ़ेंगे ओके सो द फर्स्ट जो हमारा है क्या है द आयरन पिलर ठीक है आयरन पिलर मतलब लोहे का लॉ स्तंभ ओके द आयरन पिलर एट माहरौली माहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द स्किल ऑफ इंडिया क्राफ्ट्स पर्सन ठीक है तो एक आयरन पिलर है कहाँ पे मेहरौली में और मेहरौली कहाँ है दिल्ली ठीक है दिल्ली में रिमार्केबल एग्जाम्पल ठीक है किसका हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सन का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है ओके इट इज़ मेड ऑफ आयरन ठीक है ये बना है किसका लोहे का सेवन पॉइंट टू मीटर हाई ठीक है सेवन पॉइंट टू मीटर हाई एंड वेट ओवर थ्री टनस ठीक है थ्री टन इसका वेट है इट वॉज मेड अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड ईयर्स अगो कब बना है ये पंद्रह सौ साल पहले द पिलर मैं मैंशनिंग रूलर नेम्ड चंद्र ठीक है ये जो पिलर है ये किसको को मैंशन करता है चंद्र नाम को हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डेंसटी ठीक है गुप्ता साम्राज्य के जो ये किसको बिलोंग uh, कर रहा है गुप्ता साम्राज्य को ओके द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है खासियत है कि लोहे के ऊपर वो तो बाहर बना हुआ है ना उसके ऊपर कोई शेड या कुछ भी पानी इतना गिर रहा है बट आज तक उसमें कोई रस्ट नहीं है कोई जंग नहीं लगी ठीक है मेटलर्जी अब हम पढ़ेंगे क्या मेटलर्जी मेटलर्जी क्या होता है एंसियंट इंटन सॉरी एनशियन इंडियन मेटलर्जीज मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूट टू मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर्क्योलॉजिकल एक्सकेविशंस हैव शोन डैट द हापन हड़प्पन्स वेयर मास्टर क्राफ्ट मैन एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलजी ठीक है तो पुराने समय में क्या होता था कि हड़प्पन्स के बारे में हमने पढ़ा है तो हड़प्पंस ने क्या किया था धातुओं की खोज कर ली थी ठीक है धातुओं की खोज कर ली थी बट क्या होता था उस टाइम पे सिर्फ एक धातु होती थी उन्हें सिर्फ एक धातु मिली थी तो वो एक ही धातु से कई प्रकार की चीज़ें बना देते बट अब क्या होने लगा था कि धातुओं को मिलाया जाने लगा था दो धातुओं को मिला एक नई धातु तैयार की जाती थी ठीक है दैन दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रांच ठीक है ऐसे ही उन्होंने क्या बनाया ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर कैसे कॉपर और टिन को मिक्स करके वाइल द हड़प्पन्स बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज ठीक है एज देयर सक्सेसर बिलोंग्स टू द आयरन एज इंडिया ठीक है मतलब आ, पता चलने लगा था कि इस ब्रॉन्ज की एज बताया जाता कि कितने साल पहले ये बनाया गया होगा और आयरन को भी आ, बनाने का जो टाइम है वो इससे फाइन किया जा सकता था इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन क्या है फास्ट आयरन ठीक है क्या था कि आयरन ने मतलब इंडिया ने काफ़ी चीज़ें की किसके द्वारा आयरन के द्वारा रोड आयरन एंड कास्ट आयरन ठीक है आयरन से काफ़ी चीज़ें बनाने का उन्होंने जो बनाया ठीक है अब क्या है बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स ठीक है जो ब्रिक्स और स्टोन से बिल्डिंग्स बनी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे द स्किल्स ऑफ अवर क्राफ्ट आर ऑल्सो अपरेंट इन द बिल्डिंग्स डेट डेट है जो बिल्डिंग्स हमें मिली हैं जो एविडेंसेस मिले हैं द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट ठीक है स्तूप का मतलब क्या है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट मीन्स क्या होता है कि छोटी छोटी पत्थरों से एक टीला बनाया जाता है ठीक है वो माउंट कहलाता है स्तूप आप सब जानते होंगे बौद्ध बुद्ध के स्तूप बनाए जाते थे ठीक है बुद्धिज्म जो बुद्धिज्म जो था उसके स्तूप बनाए जाते थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्तूपाज ठीक है काफ़ी टाइप के स्तूप स्तूप थे बट दे ऑल हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स बट उनके अलग अलग कॉमन फीचर्स थे ठीक है सर्टन कॉमन फीचर्स ऑफ अ स्तूपा देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा ठीक है एक स्मॉल बॉक्स प्लेस किया जाता था कहाँ पे सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा दिस में कंटेंट बॉडीली ली रिमेन्स सच एज टीथ बोन और एशेस ऑफ द बुद्धा ठीक है यहाँ पे क्या कंटेंट किया रखा गया है उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जैसे टीथ हो गया बोन हो गया एशेस हो गई ऑफ द बुद्धा और हिस्स फॉलोवर्स और थिंग्स दे यूज एज वेल एज प्रीसेस स्टोन्स एंड कॉइंस ठीक है इनको इस तरीके से रखा गया है जैसे कि वो एक प्रेसियस स्टोन्स और कॉइंस के बराबर ठीक है रेलिक कास्किट इट इज कवर्ड विद अर्थ लेटर लेयर ऑफ मड ब्रिक और वेक्ट ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप ठीक है क्या है ये अर्थ से कवर है और इस पे किसकी लेयर है मड की ले मड ब्रिक की लेयर है ठीक uh, है मड ब्रिक की लेयर है और बेक्ड ब्रिक की लेयर है ठीक है कहाँ पे एडेड ऑन टॉप टॉप पे ऐड की गई है देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समाइम्स कवर्ड विद कार्ड स्टोन स्लेब्स तो डोम का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया कैसे वो कवर्ड है स्टोन के साथ ठीक है अ पाथ नॉन एज द प्रदक्षिणा पट पार्ट वॉज लेड अराउंड द स्तूपा दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स ठीक है रेलिंग्स लगी हुई हैं रेलिंग्स आपको आता होगा समझ में रेलिंग्स मैं बता देती थी इस टाइप की ये रेलिंग्स लगी हुई हैं ठीक है एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेट वेज ठीक है उन्हीं गेट वेज से क्या है एंट्रेंस पाथ है ठीक है वहाँ से अंदर जाने का रास्ता डेवोटी वॉकड अराउंड द स्तूपा ठीक है जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं स्तूप के अराउंड वॉक करते हैं इन अ क्लाक वाइज क्लाक वाइज करते हैं डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डेवोशन। बोथ रेलिंग्स एंड गेट वेज वर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर ठीक है मूर्ति के यहाँ पर भी करते हैं और कहाँ पर करते हैं स्तूप के आगे भी इस स्तूप के गोल साइड ठीक है अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ द रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केब्स ठीक है अदर बिल्डिंग्स वर हॉलुड अब यहाँ पर बताया गया कि आर्टिफिशियल केप्स भी बनती थी ठीक है पहले तो ऐसी होती थी केप्स की अपनी बनी बनाई होती थी केप्स ठीक है बट कुछ आर्टिफिशियल केप्स भी बनाई जाती थी मतलब फिर से केप्स uh, के जैसे ही एक जगह बनाई जाती थी एलेबरेट्री डेको डेकोरेट विथ स्कल्पचर सो डेकोरेट विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स ठीक है तो मूर्तियों को क्या किया गया है अच्छे से डेकोरेट किया गया है और पेंटेड वॉल्स वॉल्स को बहुत अच्छे से पेंटेड किया मतलब पेंट किया है उसको द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स ठीक है अब हिंदू टेम्पल्स की बात हो रही है वर ऑल् ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम इसी टाइम पे क्या था कि हिंदू टेम्पल्स भी बन रहे थे डाइट सच एज विष्णु शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दिस श्रिंस ठीक है क्या होता था उस टाइम पे विष्णु शिव एंड दुर्गा तो ये गॉड God, गॉडेस जो हैं विष्णु शिव एन दुर्गा इनकी पूजा की जाती थी श्रिंस मतलब एक तरीके से टेम्पल्स ही होते हैं ठीक है गर्भगृह अब गर्भगृह के बारे में बताया गया क्या कहलाता है इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर द इमेज ऑफ द जीव डाइटी वॉज प्लेस्ड ठीक है जो मेन मुख्य जो भगवान रहते हैं जिनकी प्रतिमा उस बिल्डिंग में होती है वो गर्भगृह कहलाता है ठीक है जिस टेम्पल के अंदर जो रखी जाती है मेन प्रतिमा वो क्या कहलाता है गर्भगृह इट वॉज हियर डेट प्रिस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड डेबोटी ऑफर्ड वर्शिप इन द डाइटी ठीक है प्रेस्ट क्या करते हैं तो प्रिस्ट जो होते थे वो क्या करते थे सारे रिलीजियस और रिचुअल्स को परफॉर्म करके गर्भगृह में मूर्ति को बिठाते थे ठीक है और पूजा स्टार्ट मतलब पूजा फिर होती थी उनकी वहाँ पे टेंपल एट भीतरगाँव ठीक है भीतरगाँव पे एक टेम्पल बना हुआ है अ टावर नॉन एज द शिखर ये एक टावर बना है और वो किस नाम से जाना जाता है शिखर वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह ठीक है ये गर्भगृह के टॉप पे बना है और वो क्या कहलाता है शिखर टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेट प्लेस ठीक है ये मार्क आउट करता है कि एक टेम्पल है बिल्डिंग सिखर शिक्वाड केयरफुल प्लानिंग ये केयरफुल प्लानिंग से बने थे ठीक है इसलिए ताकि लोग पहचान जाए कि ये मंदिर है ओके हाउ आर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट ठीक है कैसे ये स्तूपा और टेम्पल बने देर आर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग टूप और अ टेम्पल ठीक है यहाँ पे सेवरल स्टेजेस बताए जा रहे हैं किंग्स और क्वीन डिसाइड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड ठीक है किंग्स और क्वीन्स इन्हें बनवाते थे और एक्सपेंसिव चीज़ों से ठीक है अच्छे स्टोन से क्वेरिड ट्रांसपोर्ट दीज रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इन टू पिलर्स एंड पैनल्स फॉर बॉल्स फ्लोर्स एंड सीलिंग्स ठीक है अच्छे स्टोन्स यूज़ uh, किए जाते थे इसको बनाने के लिए पिलर्स बनाने के लिए पैनल्स फॉर बॉल्स फ्लोर्स एंड सीलिंग्स ठीक है प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजिशन ठीक है सब कुछ राइट right पोजिशन पर क्या किया जाता था प्रिसाइज़ किया जाता था किंग्स एंड क्वीन्स प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी ठीक है अपने खजाने में से क्या करते थे किंग और क्वीन उनको अपनी मनी सॉरी मनी देते थे जो लोग बनाते थे टू पे पर्सन किसको क्राफ्ट पर्सन को पे करते थे बिल्ड दीज स्प्लैंड स्ट्रक्चर्स ठीक है और uh, क्या होता था कि वो देखते थे कि कितने अच्छे स्पलेंडेड एकदम शानदार स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं ठीक है डेबोटी कम टू विजिट भक्त जब टेम्पल्स आते थे और द स्तूप जब स्तूप जाते थे दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट क्या लेके जाते थे गिफ्ट ठीक है अपनी तरफ से उन्हें जो उपहार देना है वो लेके जाते थे विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स और उससे क्या होता था बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए काफी सामान इकट्ठा हो जाता था पहले के लोग ऐसे थे कि अगर कुछ बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई टेम्पल बन रहा है तो उसमें काफी हेल्प देते थे ठीक है एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आई वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द

जो डेकोरेशन uh, के लिए पेड करते थे मर्चेंट फार्मर गार्लैंड मेकर परफ्यूमर्स जो जो कुछ भी जैसे सामान बेचने वाले जो भी होते थे हंड्रेड ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स ठीक है वो अपने नाम से जाने जाते थे और कहाँ पे इंस्क्राइब किया गया इनको पिलर्स पे रेलिंग्स पे एंड वॉल्स पे ठीक है अब पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे अजंता अजंता एक फेमस पेंटिंग है ठीक है प्लेस वेयर सेवरल केप्स कहाँ पे है ये गुफाओं में वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स अवर सेंचुरीज ठीक है ये मतलब शताब्दियों साल पुरानी है वाई आर वाई वी आर स्टडिंग देम क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं दीज केव्स आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स ये पेंटिंग्स ऐसी हैं कि आज तक ऐसी पेंटिंग्स नहीं देखी गई होंगी ठीक है मैंने बताया ना पुरानी कलाकृतियाँ बहुत ही बारीक और महीन होती थी और वैसी पेंटिंग्स अब बनाने वाले काम हैं ठीक है पहले तो ऐसा होता था, था कि सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना देते और राजा आ, पेंटिंग बनाने के आ, बनाने वालों के हाथ कटवा देते क्यों कटवा देते कि उनकी जो पेंटिंग बन गई ना अब वो किसी और की ना बना पाए ठीक है इतनी सुंदर अगर जो पेंटिंग बनाए तो उसके राजा क्या करवाते थे, थे हाथ काट देते थे ठीक है एज द केव्स वी आर सॉरी एज द केव्स आर डार्क इन ठीक है अंदर क्या है डार्क है अंधेरी है मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस ठीक है तो ये जो पेंटिंग्स थी काफ़ी जो एक टॉर्च के द्वारा बनाई गई मतलब लाइट के द्वारा बनाई गई टॉर्च से कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर फिफ्टीन हंड्रेड ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स ठीक है तो जो कलर्स हैं उसमें पंद्रह सौ साल पुराने हैं ठीक है और वर मेड ऑफ प्लांट्स और ये प्लांट्स बने हैं मिनरल्स हैं ठीक है द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ठीक है जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने इतना शानदार काम किया है ऑफ आर्ट रिमेन अनोन बट जो अनोन नेम्स हैं ये नेम्स नहीं पता कि किसने बनाए हैं किसने नहीं बट ये बहुत ही स्प्लेंडेड वर्क है मतलब स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट इतनी सुंदर आर्ट है कि ये कहीं नहीं देखी गई होगी अभी तक में बट अब तो ऐसा है कि हर चीज़ बनने लगी है बट उस टाइम पे वो चीज़ें कोई नहीं बना पाता था ठीक है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स अब इस चैप्टर का थर्ड जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं हम क्या है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स ओके तो क्या है वर्ल्ड ऑफ बुक्स सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स ठीक है एपिक्स मतलब ग्रंथ वर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड ठीक है इस टाइम पे इस पीरियड में कुछ एपिक्स लिखे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं एपिक्स आर ग्रैंड ठीक है ग्रंथ जो होते हैं बड़े होते हैं लॉन्ग कंपोजिशन के साथ अबाउट हेरोइक मैन ठीक है इसमें एक हीरो hero, हीरोइन जैसे होते हैं मैन एंड वुमन होते हैं एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स और ये क्या है कि हीरो hero, हीरोइन नहीं ये गॉड गॉड की स्टोरीज भी होती हैं इसमें कुछ कुछ तो इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स एग्जाम्पल ठीक है अब हम पढ़ते हैं इनके नाम तो पहली क्या है शिल्पादिकरम और दूसरी क्या है मनी के मलाई ठीक है शिल्पादिक्रम क्या है ये फेमस तमिल एपिक कम्पोज बाय पोएट एक पोएट के द्वारा कम्पोज की गई है ये तमिल की एपिक कोई मूवी जैसे मूवी ने एक स्टोरी है ठीक है मनिके मलाई ठीक है मनिक मलाई सॉरी तमिल एपिक कम्पोज बाय सल्तान अराउंड फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स एगो ठीक है ये कबना फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स एगो की पहले की बात है दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कबलन एंड माधवी ठीक है ये डॉटर ऑफ कबलन एंड माधवी के बारे में बात हो रही है दिस ब्यूटिफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट द स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज ठीक है टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट वर री डिस्कवर्ड अबाउट हंड्रेड ईयर्स एगो ठीक है ये जो ब्यूटीफुल कम्पोजिशन थे ये खो भी गए थे ठीक है स्कॉलर्स जो थी Uh, काफ़ी सेंचुरीज़ में और ये मोनोस्क्रिप्ट मैंने बताया मोनोस्क्रिप्ट क्या होती हैं अदर राइटर्स सच एज कालीदास रोट इन संस्कृत अदर राइटर्स जो थे कौन थे कालीदास कालीस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है तो सच एज रोट इन किस में लिखते थे ये संस्कृत भाषा में ठीक है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज ठीक है रिकॉर्डिंग और प्रिजर्विंग रिकॉर्ड करना और उसे अच्छे से रखना अंडरस्टैंड द हैडिंग अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज डेट वर इन सर्कुलेशन earlier वेयर रिटर्न डाउन अराउंड द सेम टाइम ठीक है काफ़ी नंबर्स में हिंदू रिलीजियस स्टोरीज लिखी गई हैं और एक ही समय पे काफ़ी जगहों पे लिखी गई हैं ठीक है स्टोरीज ऑफ पुराना ठीक है पुराण होते हैं ओल्ड ये पुराण द पुराण सर कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड जो पुराण होते हैं वो किसकी स्टोरीज को कंटेन करते हैं गॉड्स और गॉडेस की सच एज विष्णु शिव दुर्गा और पार्वती ठीक है मैंने बताया था किसकी किसकी विष्णु शिव दुर्गा और पार्वती दे ऑल्सो कंटेंट डिटेल्स ऑन हाउ दे वर वी वर्शिप्ड ठीक है पुराण में ये भी लिखा हुआ है क्या लिखा है कि वो कैसे पूजा करते हैं ठीक है कैसे पूजा की जाती है उसमें जो देवी देवता के नाम ऊपर दिए गए उनकी पूजा कैसे की जाती है देर आर अकाउंट्स अबाउट द सर्टेन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट रिंग्स ठीक है उसमें काफ़ी अकाउंट्स में ऐसी बातें दी गई हैं कि वर्ल्ड के बारे में भी बताया गया कि कैसे ये पृथ्वी की शुरुआत हुई एंड अबाउट किंग्स के बारे में भी ठीक है कुछ किंग्स जो थे वो गॉड और गॉडिस के लिए इतने वो थे और मतलब जो किंग और क्वींस जो होते थे पहले के ज़माने के जो मतलब पहले इसमें जिक्र दिए गए हिस्ट्री में हमारे तो वो गॉड और गॉडिस के लिए जो सेक्रीफाइसिस मैंने बताया था सैक्रीफाइसिस करने के लिए एकदम आगे होते थे तो उनके नाम भी पुराणों में लिखे गए हैं ठीक है पुरान एंड द कॉमन पीपल अब यहाँ पे देखो दो पुराणे महाभारत एंड रामायण ये सब लोग जानते होंगे मोस्टली नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों को पता होगा महाभारत में क्या है और रामायण में क्या है ठीक है टू मोस्ट पॉपुलर संस्कृत एपिक्स हैं ये ठीक है इन द महाभारत इज अबाउट अ वॉर क्या है ये महाभारत एक वॉर है फॉर्ट बिटवीन द किसके कौरवों के और पांडव के बीच में हुवर कजिन्स और जो क्या थे कजन्स थे ठीक है आप सब अपने कज़न्स से मत लड़ने लगना ठीक है क्या था ये सब कजन्स थे और इनकी क्या हुई लड़ाई महाभारत में इसके बारे में बताया गया और रामायण क्या है रामायण ये कॉड राम की राम जी की स्टोरी है इसमें ठीक है पूरी बताई गई अ प्रिंस ऑफ कौशल हु वॉज सेंट इन टू एक्साइल जिन्हें कहाँ भेजा गया था चौदह वर्ष वनवास के लिए ठीक है अब ये इसके पॉइंट्स चल रहे हैं ठीक है ये महाभारत का है दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द क्रूज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर ये किसके लिए लड़ाई हो रही थी इसलिए लड़ाई हो रही थी कैपिटल हस्तिनापुर चाहिए थी कुरु वंश को ठीक है महाभारत का ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर रामायण करेंगे भगवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत ठीक है महाभारत किसका पार्ट है भगवत गीता का बौद्ध अब ये इसमें दो पॉइंट्स और रह गए ये कंप्लीट करते हैं हिज़ वाइफ सीता किसकी बात हो रही है यहाँ पर रामायण की ये रामायण है यहाँ पर और ये महाभारत की बात है ठीक है हिज वाइफ सीता वॉज एबडप्टेड बाई द किंग ऑफ लंका ठीक है किसके द्वारा आ, चुरा के मतलब ले गया कौन चोरी करके ले गया था सीताजी को छल करके ले गया था लंका नेम्ड रावणा सॉरी इसमें रावण रावण एंड राम हैड टू फाइट टू बैटल टू गेट हर बैक ठीक है फिर उन्हें बचाने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए राम जी ने क्या किया एक फाइट करी ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या ठीक है वो जीते और अयोध्या आए और कैपिटल ऑफ कौशल आफ्टर हिज विक्ट्री ठीक है वो जीते और अपनी जीत के बाद वापस आए कहाँ अयोध्या बौद्ध द पुराण एंड द वर सपोज टू हैव बीन कंप्लाइड विथ व्यास, ठीक है व्यास के द्वारा ये लिखी गई हैं दोनों पुराण वाल्मीकि इज रिकोगोग्नाइज वाल्मीकि ने क्या किया है रिकोग्नाइज किसको किया है रामायण को और किस लैंग्वेज में संस्कृत में ओके स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल अब कुछ ऑर्डिनरी पीपल्स हैं जो वो पहले के ज़माने में जो हिस्ट्री में रहते थे जिन्होंने देखा है अपनी आँखों के सामने चीज़ों को देखा है उनके द्वारा भी कुछ स्टोरीज बताई गई हैं तो मैं वो बताती हूँ आपको टोल्ड स्टोरीज कम्पोज पोएम्स एंड सॉन्ग सै डांसड एंड परफॉर्म प्लेस ठीक है सॉन्ग्स के बारे में डांस के बारे में और प्लेस के बारे में एग्जाम्पल जैसे जटाकाश एंड पंचतत्र पंचतत्र इज़ अ वेरी फेमस ठीक है वेरी फेमस एंड स्टोरीज़ from द जटाका वेयर often शोन इन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास ठीक है स्तूप के बारे स्तूप के रेलिंग्स मैंने बताए थे आपको ठीक है इसके बारे में बात एंड पेंटिंग्स और उसकी पेंटिंग्स इन places सच एज अजंता ठीक है और इसमें अजंता का भी जिक्र है और पंचतंत्र पंचतंत्र के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया बट पंचतंत्र की जो स्टोरीज होती हैं वो काफ़ी अच्छी और मज़ेदार और अच्छी और सबसे अच्छी उसका मोरल बहुत अच्छा निकलता है ठीक है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस अब साइंस की भी बात कर लेते हैं अंडरस्टैंड द हेडिंग ठीक है आर्यभट्ट आर्यभट्ट मैथ के मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे ठीक है मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अप बुक इन संस्कृत इन्होंने भी क्या किया है संस्कृत में एक बुक लिखी है आर्यभट्टी ठीक है ही स्टेटेड डेट अ डे नाइट वेयर कॉस्ट बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ठीक है उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धूरी पर घूमती है इवन तो इट सीम्स एज द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे इसीलिए क्या होता है सूरज रोज उगता है और अस्त होता है ठीक है ही डेवलप्ड साइंटिफिक एक्सप्लोनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल ठीक है ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कम फ्रेंड ऑफ अ सर्कल ये मैथमेटिशियन थे मैंने आपको बताया तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया सर सर्कल की सरकम फ्रेंसेस काफ़ी चीजें यहाँ पे बताई हैं अब किसके बात, बारे में बात होगी वराह मित्र ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वेर सम अदर ये भी मैथमेटिशन है और एस्ट्रोनॉमर्स हैं हु मेड सेवरल डिस्कवरीज इन्होंने भी काफ़ी डिस्कवरीज की अब जीरो की डिस्कवरी कैसे हुई तो हम ये पढ़ लेते हैं ठीक है वाइल्ड न्यू मेरल्स हैड बीन यूज अर्लियर ठीक है न्यू मैरल्स जो थे जब यूज़ होने लगे मैथमेटिशन इन इंडिया इंडिया में जब मैथ्स आई नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिम्बल ठीक है तो एक स्पेशल सिम्बल को इन्वेंट किया गया जीरो दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडाप्टेड बाई द अरब्स एंड द स्प्रेड ऑफ यूरोप ठीक है ये अडाप्ट किया गया किसी अरब से एंड फिर उसके बाद कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गया यूरोप तक ओके टू कंटिन्यूज टू भी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है तो ये कंटिन्यू होने लगा पूरे वर्ल्ड में द रोमन यूज द सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग ज़ीरो ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट ठीक है उन्होंने इसके विदाउट जब कंटिन्यू काउंटिंग uh, की तो उन्होंने कहा ट्राई एंड फाइंड आउट तो उन्होंने इसके बारे में मोर अबाउट इट जब फाउंड किया ठीक है तो समझा तो ये ज़ीरो का जो था ज़ीरो के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी थी, थी कि जीरो की स्टार्टिंग कैसे हुई थी क्योंकि आप सब ये कह सकते हैं ना आज भी कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है ना कि हिस्ट्री में ये चीज़ें कहाँ से आई तो हर चीज़ का एविडेंस है कुछ रिमेन्स है और कुछ ऑर्डिनरी पीपल्स थे जो नॉर्मल uh, पीपल्स में आते थे बट वो भी काफ़ी चीज़ें ऐसी बता गए जिसकी वजह से आगे हमारा इंडिया या हमारा वर्ल्ड आगे ग्रो करता गया ओके सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ये है आयुर्वेदा ओके okay? आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ़ हेल्थ साइंस ये साइंस हेल्थ साइंस के लिए आयुर्वेदा है डेट वॉज डेवलप्ड इन एनशियंट इंडिया ठीक है पुराने इंडिया में डेवलप uh, हुआ द टू फेमस प्रैक्टिनर्स ऑफ़ आयुर्वेदा इन एंशियंट इंडिया दो थे कौन कौन से चणक के बारे में मैंने बताया था चरक एंड ये फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज में थे एंड शुशैन ठीक है सुशैन और चरक तो सुसैन चरक ने चरक संहिता लिखी है और उसमें इन्होंने रिमार्क किया है मेडिसिनस को बताया है मेडिसिनस कैसी आयुर्वेदक क्या होता है कौन सी मेडिसिन होती हैं जो नेचुरल मेडिसिन बनाई जाती हैं वो आयुर्वेदा कहलाती हैं ठीक है ठेके? इन हिज ट्रेटा ट्रीटाइज सुश्रुत संहिता ठीक है सुश्रुत ने कौन सी लिखी है सुश्रुत संहिता सुश्रुत स्पीक्स अबाउट एलेबरेट सर्जियल प्रोसीजर्स ठीक है सुश्रुत ने सर्जियल सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए हैं ठीक है पहले ऑपरेशन नहीं होता था इतनी मशीनों से ऑपरेशन नहीं होते थे तो शुश्रुत ने इसकी कोच की थी कि कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है ठीक है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनिंग ठीक है और आपको अगर अच्छा लगा तो अच्छा और कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ओके सो थैंक यू क्लास